जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आजकल पैक के एग्ज़ाम जो हैं उनका बिल्कुल आजकल वो शुरू हो रहे हैं। 4 तारीख से इम्तिहान शुरू होंगे जो 25 तक जाएंगे। इनमें 14 तारीख तक 5वीं के इम्तिहान होंगे, 15 से शुरू होकर 25 तक जो है मिडिल के इम्तिहान जाएंगे। आजकल ड्यूटियाँ फ़ाइनल हो चुकी हैं, आलमोस्ट जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं और अमला जो है वहाँ पर मुतय्यन हो चुका है। जिन जिन की ड्यूटियाँ उनसे आजकल हम उनसे ले रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी अटेंडेंस वगैरह और तकरीबन अब तक तमाम अमला भी इंश्योर हो चुका है जिन जहाँ जहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। इस इम्तिहान की अहमियत अपनी जगह पर बहुत है कि बच्चों की असेसमेंट जो है उसका एक बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा अफेक्टिव टूल है। इसमें कुछ चीज़ों की तरमीम की ज़रूरत है, अगर वो कर ली जाएँ तो ये इम्तिहान उससे भी बेहतर हो सकता है। बजाय इसके इस इम्तिहान को ख़त्म किया जाए, इस इम्तिहान की वजह से हमारे टीचर जो हैं वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें अगर पास फेल का सिस्टम कर लिया जाए बजाय इसके कि 20% मार्क्स के में सारे बच्चे जो हैं प्रमोट कर दिए जाते हैं, अगर इसमें बाकायदा तौर पे पास फेल का निज़ाम इसमें आ जाए तो बच्चों में और ज़्यादा तवज्जो होगी कि वो बेहतर तरीके से इसकी स्टडी कर सकेंगे। और जब पास फेल का जजा और सज़ा का निज़ाम होगा तो बच्चों के अंदर उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होगी और वह दिल लगा के मेहनत करेंगे और उस मेहनत करने से जो है वो मेहनत करने से वो बेहतर तरीके से अपनी कामयाबी और अपने तालीम जो है उसको बेहतर कर सकेंगे। पास फेल का सिस्टम आ जाए और इससे ना सिर्फ 8वीं तक इम्तिहान जो है बेहतर हो जाएगा बल्कि 9th और 10th में जो बच्चे आएंगे और हमारे जो 9th और 10th के एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के होते हैं वहाँ पर भी क्वालिटी जो बच्चे हैं क्वालिटी के बच्चे आएँगे और उसका रिज़ल्ट भी बेहतर हो जाएगा। वहाँ पर फ़िल्टर होकर बच्चे आएँगे। इस इम्तिहान की असेसमेंट इसमें असेसमेंट के हिसाब से ये भी है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चे को सोचनी पड़ती हैं। वही नहीं है कि किताब की जो स्टेटमेंट उठा के दे दी गई, स्टेटमेंट अपनी होती है, बच्चे उसके ऊपर सोचते हैं और थिंकिंग और रीजनिंग होती है और इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है और बच्चे के सोचने समझने की जो है वो सलाहियत पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि ये इम्तिहान जो है वो ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर हम क्रिएटिविटी जो है वो क्वालिटी ले के आ सकें।